गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपका जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं सीईटी बैच के लिए जो इकोनॉमिक्स राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है उस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं। औद्योगिक के अंदर अगर बात करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप लोग यहीं गलती कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप दोहराएं नहीं इस तरह की गलतियाँ, तो उसमें अगर मैं सहयोग कर सकूं तो आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र क्या है? सारे नोट साथ साथ बना दे रहे हैं। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र मतलब नाम होता है रिको। रिको बात करते हैं, देखो रिको का फाउंडेशन औद्योगिक क्षेत्र पर बात करते हैं राजस्थान में ना, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी था एक सबसे शीर्ष संस्था थी जिसका नाम है RIMDC। क्या नाम है? RIMDC, जिसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र सबसे पहले शीर्ष संस्था है वो RIMDC है। इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जो इसका काम क्या था? इसका काम था विकास, एक तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास को देखना, प्लस इसके साथ इसको देर का था खनन, खनिजों का विकास के लिए माइनिंग वगैरह करना, ये भी इन्हीं का ही काम था। ये कब की बात है? 1969 में। अब बात क्या हो, सारी चीज़ें बड़ी हो जाती तो इनका क्या हो गया, बंटवारा हो जाता है। दो काम जब बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। 1969 था, इसको वापस टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बन गया RSMDC और सेकेंड इसका बन गया रिको। तो रिको किससे अलग होके बना है? RIMDC से। रिको की स्थापना कब हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 1980 के अंदर, इसको ध्यान रखें। और आज RSMDC 1979। ये मिनरल के लिए जो राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट होता है ना, उसके लिए जैसे कि लाइम स्टोन निकालना, इस तरह की शीर्ष संस्थान होती है ना, वो इसका काम यही होता है। मिनरल के क्षेत्र में जो खनिज होते हैं ना, खनिज की शीर्ष संस्थान है राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर इसकी बात की जाए, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 19। और इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलता है? आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा इसका जयपुर के अंदर, ये भी जयपुर के अंदर 1980 में इसकी स्थापना होती है। ये एक तरह की शीर्ष संस्था है, कौन सी, ये भी क्या है, शीर्ष संस्था है, मैन हेड है। किस चीज़ के लिए? इसका काम होता है औद्योगिक, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, विद्युत, वहाँ का प्लॉट, ये सारी चीज़ें देखना, उसको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, ये सारे काम किसके, रिको के काम होते हैं। राजस्थान अभी तक कुल रिको कितने हैं देखा जाए, राजस्थान में टोटल रिको की संख्या है वो 3480 हो चुकी है। और अब शायद अशोक जी ने और 31 रिको और बना दिए गए, 32 रिको, नए रिको की स्थापना की घोषणा की थी इन्होंने। बजट राजस्थान का जो बजट आया था 2022-23 में जो बजट आया था, उसमें उन्होंने 32 नए रिको की स्थापना की बात की थी। और वो बात इन्होंने नए रिको का उद्घाटन कब किया था, जोधपुर के अंदर, जब अभी एक फेयर मेला लगा था, मेगा ट्रेड फेयर, इस चीज़ का डीजी फेस्ट जिसके नाम से जानते हैं जिसको, वो जोधपुर में लगा, तब इन्होंने 32 नए रिको की स्थापना अभी करके गए, वो बात करके गए। अब रिको का काम क्या होता है, इसका काम होता है लघु उद्योग हो गए, मध्यम हो गए,
रहत उद्योग, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या करना? वित्तीय सहायता, मतलब कि रिको की सहायता से आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। जैसे आपने रिको वाला एरिया है वहां पे आपने माना कि यहाँ पे ए नाम का एक आदमी है, इसने इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट खरीदा रिको में, तो यहाँ पे इसका फैक्ट्री डेवलप हो गया। आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, और अगर ये कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो इसके बेस पे इसको वित्तीय सहायता, मतलब गवर्नमेंट रिको की तरफ से इसको लोन की फाइल ऑफर की जाती है, और ये अपना कोई भी कार्य है वो आसानी से कर सकता है, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री लगानी इस सब में। पर नोट करें, रिको लघु मध्यम और वृहत उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, रिको कभी भी सूक्ष्म उद्योगों को सहायता प्रदान नहीं करता, सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। फिर औद्योगिक विकास की भी जो भी योजना है वो भी कौन लागू करता है? रिको ही करता है, योजनाओं को लागू करना, जिससे क्या हो, औद्योगिक विकास हो सके, औद्योगिक विकास संभव हो। अब बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात की जाए ना तो कुछ पार्क बना रखे हैं जैसे कि रिको की तरफ से, जैसे जापानी पार्क। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जापानी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जापानी पार्क है, ये जापान के लिए है, जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी की, जापान की देश की जो भी कंपनियां हैं उनके लिए ये जगह सुनिश्चित कर रखी है, वहाँ वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है जापान। फिर एक है कंपनी जिसका नाम है जेट्रो। क्या नाम है? जेट्रो। अब इसके अंदर ये क्या हो, जापानी जापानी एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस इसके साथ किसका पार्टिसिपेशन है? रिको का, रिको के सहयोग से। तो जेट्रो क्या कर रहा है, रिको के सहयोग से बना रहा है। तो प्रथम पार्क इसका कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? प्रथम पार्क बनाया गया आपके, ये बनाया नीम राणा अलवर में, जहाँ से अभी राहुल गांधी जी का जो जन्म यात्रा है वो निकलेगी वहां से अलवर। और दूसरा पार्क द्वितीय बनाया रखा है, द्वितीय पार्क की लोकेशन आपको देखने को मिलती है गिलोट निमराना के पास में है, गिलोट अलवर। तो जापानी पार्क कहाँ का है? निमराना, और दूसरा है गिलोट के अंदर। फिर जापानी एक्सीलेंस ऑफ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नोट करके रखें इनको, ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ये कहाँ है? ये है आपके नीम राणा में। अगर आपसे पूछ ले जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस कहाँ है, नीम राणा के अंदर। जापानी प्रथम जापानी पार्क नीम राणा, और द्वितीय गिलोट के अंदर। अगर आपसे बात करें आप कोरियन पार्क कहाँ है, कोरिया की तरफ से, जैसे कि जापानी पार्क था वो तो जापान की जो कंपनी होती है उसकी तरफ से क्या, जैसे जैसे आपने देखा वो नाम सुन रखा कि ये कंपनी कहाँ की है, सब जापान की है, ये इंडोनेशिया की, इस तरह की जो कंपनी होता है ना उसके लिए। तो कोरियन पार्क कहाँ है? दक्षिणी कोरिया के लिए, दक्षिणी कोरिया की है। तो इसमें इन्होंने डेवलप कर रखा कोटरा, इनके लिए क्या है, कोटरा। कोटरा का पूरा नाम है कोरियन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, और प्लस इसके साथ इसकी हेल्प कौन करता है, रिको। तो कोरियन पार्क है वो कहाँ डेवलप कर रखा है वो भी आपको देखने को, प्रथम कोरियन पार्क देखने को मिलता है वो गिलोट के अंदर, प्रथम कोरियन पार्क
जैसे फॉरेन की कोई गाड़ी आती है, जैसे आपने देखा हो हीरो और होंडा, पहले दोनों एक ही था, हीरो होंडा, अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो दोनों कंपनी अलग अलग हो जाने से क्या हो गया, तो जापानी कंपनीज थी एक अलग अलग, तो जापानीज कंपनी अपना बिजनेस कहाँ कर रही, हीरो होंडा वो सब उधर ही कर रही। तो प्रथम कोरियन पार्क गिलोट के, फिर इसके साथ गिलोट के अंदर एक सिरेमिक पार्क भी है, क्या है? गिलोट में सिरेमिक पार्क भी देखने को मिलता है, ये होता है टाइल्स के लिए, टाइल्स होती है ना उन सब के लिए, और इसी वजह से इसको सिरेमिक जोन भी कहते हैं। सिरेमिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। और सिरेमिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये कहाँ है? ये आपको देखना मिल जाता है खारा बीकानेर के अंदर। तो जितना भी चीजें आपको नोट करवाई जा रही है उसको जरूर साथ साथ नोट किया करें, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज ना हो। फिर बात करते हैं सेज, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, या इसको आप बोल सकते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या है, ये जो आपने थ्योरी ली ना, ये अवधारणा, ये थ्योरी ले रखी है चाइना की, ये चाइना चीन की थ्योरी है, चीन के वहां से ही हमने देख के लिया। अब सेज के लिए पॉलिसी कब आई थी, सेज की पॉलिसी आपको देखने को मिलती है आपको सन 2000 के अंदर आई थी, और इसके लिए एक्ट एक्ट आया था 2005, मतलब सेज की पॉलिसी सेज होना चाहिए और इस तरह की हम नीतियां करेंगे, तो पॉलिसी 2000 में आई, और एक्ट मतलब लागू करना 2005 से होता है, और ये लागू होगा कब, एक्ट कब से लागू है, 10 फरवरी 2005 से ये लागू हो चुका था। इसकी मजेदार बात यह है, सेज या विशेष आर्थिक जोन के अंदर ये चीज है कि सेज में जितने भी उद्योग धंधे होते हैं ना, जो भी उद्योग लगा रहे हैं, इनके उद्योगों के द्वारा जो भी माल का प्रोडक्शन होता है उसको 100% आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, आपको निर्यात करना पड़ेगा। निर्यात नहीं भी करो तो भी इसके ऊपर क्या, निर्यात के अनुसार ही टैक्स लगता है, तो सेज, इसीलिए इसका नाम क्या, सेज। राजस्थान के अंदर एक और बात हो गई, राजस्थान का नया सेज एक्ट और आया था, राजस्थान का न्यू सेज एक्ट, ये अभी जस्ट आया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2015 की बात है, इसके अंदर आया था। तो राजस्थान के अंदर ये है सेज, तो सेज की अवधारणा कम हुई नहीं हुई, अगर आपसे आरएस में पूछे तो भी आप ऐसे लिख सकते हो, सीईटी में पूछे तो भी आप कर सकते हो, और आरएस मेंस के अंदर लिखे तो भी आप कर सकते हो सेज की अवधारणा। ये सारे पॉइंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो गलती ना करें। अब राजस्थान में सेज की बात करते हैं, कहाँ पे विकसित किया गया राजस्थान में सेज, फर्स्ट सेज है ना ये ध्यान में, पहला सेज बना गया है सीतापुरा के अंदर, इसको नाम दिया सीतापुरा सेज, फर्स्ट जयपुर में। सेकंड सेज जो बनाया गया है वो बनाया है महिंद्रा कंपनी के द्वारा, महिंद्रा मल्टी सेक्टर, महिंद्रा मल्टी सेक्टर सेज अजमेर रोड जयपुर, ये भी कहाँ है जयपुर के अंदर। जो तीसरा सेज बनने जा रहा है वो कहाँ बनेगा, ये सीतापुरा सेज टू, इसका नाम क्या है सीतापुरा सेज टू, ये भी कहाँ है जयपुर में। अब बात ये हुई कि जो सीतापुरा सेज है ना, इनको क्या कह दिया, सीतापुरा जेम्स, एक था सीतापुरा जेम्स है क्या ना, जेम्स सेज था उसका नाम भी, तो जेम्स को क्या कर दिया आप, और ज्वेलर से दोनों को एक कर लिया, वन एम टू दोनों को क्या कर दिया मल्टी सेक्टर।
मल्टी सेक्टरल सीट्स होते हैं। और तो और बात ये, राजस्थान में 5 सीट्स और बनाई जाएंगी, 5 सीट्स अधिसूचित है, मतलब सूचना निकाल रखी है, बना सकती है गवर्नमेंट। एक तो है सोमानी फेज, कौन सा है सोमानी सेज, ये बनेगा आपके खुसखेड़ा भी, खुसखेड़ा अलवर। दूसरा सेज बनेगा आपके वाटिका सेज, क्या नाम है वाटिका सेज, ये बनेगा आपके जयपुर में। तीसरा सेज बनेगा आपके जैनपैक्ट, जैनपैक्ट बहुत बड़ी कंपनी है, जैनपैक्ट सेज, ये बनेगा आपके जयपुर में। तो सबसे ज्यादा सेज आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जयपुर में ही। और मानसरोवर सेज, और पांचवा सेज बनने जा रहा है आपके आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेज, ये बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में कौन सा है, आरएनबी, एक ही है। ये था राजस्थान में सेज कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं उसके बारे में। फर्स्ट तो है सीतापुरा से जो अभी चल रहा है, अधिसूचित कितने, 5 है। तो इसमें गलती ना करें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। चलो आगे बात करते हैं, एनवायरमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, शॉर्ट में ईपीआईपी भी बोल सकते हैं, या हिंदी में इसको निर्यात प्रमोशन, निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। इनके अंदर रूल क्या है, जितना भी उद्योग से उत्पादन होगा ना ईपीआईपी में, उसका 35% आपको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। उसमें तो करना था सेज में तो 100%, जबकि इसमें क्या करना होता है आपको 35% ही करना पड़ता है। तो ऐसे राजस्थान में 3 EPIP है, कितने, 3 EPIP सेक्टर खोल रखे हैं। पहला तो खोल रखा है आपके सीतापुर अजमेर जयपुर के अंदर, सीतापुर जयपुर। दूसरा सेज खोल ईपीआईपी प्रोग्राम खोल रखा है नीमराणा के अंदर, नीमराणा का है अलवर के अंदर। और तीसरा जो खुला हुआ है आपके बोरानाडा जोधपुर के अंदर। तो 3 चीजें ध्यान रखें, जयपुर अलवर जोधपुर, जयपुर अलवर और ये जोधपुर, 3 हो गए। तो ईपीआईपी का भी ध्यान रखें। फिर राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ कहाँ है, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारे जो भी संवर्धन बना रहे ना पार्क, ये सारे रिको के ही है, ध्यान रखना। राजस्थान के औद्योगिक पार्क, स्टोन पार्क का आपको देखने को मिलता है बिस्नोदा, यहाँ पे स्टोन की इंडस्ट्री ये दिखेगी आपको। अलवर ऑफलाइन बैच वाले तो आपको पता ही होगा कि पार्क का मतलब क्या है, टेक्सटाइल बैच पार्क। पार्क का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए आए हैं या सड़क बनी हुई है घूम के चले गए, ऐसा पार्क नहीं है। पार्क का मतलब ये है यहाँ पे इंडस्ट्री की फैक्ट्री है ना, जो सिर्फ वहां पे आपको किस चीज की, स्टोन की, स्टोन पार्क मतलब स्टोन की फैक्ट्री देखने को मिलेगी, यूं है। इसका मतलब ये नहीं घूमने का पार्क है, आप घूमने चले जाओ, ये चीज मत समझ लेना। टेक्सटाइल पार्क ये आपको सिलोरा किशनगढ़ में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं होजरी पार्क, पूछ ले होजरी पार्क कहाँ है, ये सब पार्क ही है, ये सब भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी कहाँ है, अलवर, सबसे पॉल्यूटेड सिटी। फिर पूछ ले आपसे सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ, ये अभी बनाया गया है सॉफ्टवेयर पार्क, ये एग्जाम सेंटर बहुत आता है लोगों को, कनकपुरा, कनकपुरा जयपुर सॉफ्टवेयर पार्क। फिर है हार्डवेयर पार्क,
हार्डवेयर पार्क पूछे तो आपको चले जाओ कुकस, ये भी जयपुर के बाहर की साइड में ही है थोड़ा। कुकस हार्डवेयर पूछे तो कुकस, सॉफ्टवेयर पूछे तो कनकपुरा, और पूछे हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है, ये जोधपुर के अंदर। जोधपुर और जैसलमेर दो चीजें। स्टोन पार्क बिस्नोदा, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा, होजरी पार्क भिवाड़ी, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा, हार्डवेयर पार्क कुकस और हैंडीकार पार्क जोधपुर, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसी तरह एक है मसाला पार्क, कोटा मसाला के लिए बहुत जाना जाता है। मसाला पार्क की बात करें तो क्या हो गया कोटा, और दूसरा जोधपुर की तीवरी मथाने, जोधपुर का मथाने मसाला के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ फिर अपैरल पार्क, ये होता है जो सिले सिलाए जो वस्त्र होता है ना उनके लिए, सिले सिलाए वस्त्र के लिए पार्क है। और ये आपको देखने को मिलता है बगरू में, बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग मतलब आपको चित्रकारी ये देखने को मिलेगी, बगरू की प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। और महल जयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं साइबर पार्क, ये कहाँ बन रहा है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर सर्किट हाउस वाली रोड है ना, वहाँ जाओगे ना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वहाँ मिल जाएगा आपको साइबर पार्क जोधपुर। मतलब कि यहाँ पे साइबर पार्क में सिर्फ साइबर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जैसे ये ऑफिस होता है उनके ऑफिस है। तो आप समझ गए नीम राणा के अंदर क्या क्या है। जब नीम राणा, नीम राणा में देखो एक तो ईपीआई पार्क हो गया आपका, जापानी पार्क नीम राणा में, रिको का स्किल कोर्स सेंटर नीम राणा में, मेडिकल पार्क नीम राणा में, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीम राणा में। तो नीम राणा ये सारे वही देखने को मिल जाता है। फिर एक अमेज होंडा कार आती है ना, आप देखे ही होंगे जानते होंगे, होंडा कार होंडा सिटी का छोटा वर्जन है। हमारे परिया सर के पास है होंडा सिटी, तो होंडा उससे भी छोटी एक कार होती है होंडा अमेज। तो अमेज होंडा कार इंडिया का लिमिटेड का ऑफिस कहाँ है, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग देखने में मिले खुश खेड़ा अलवर के पास में, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। और होंडा की मोटरसाइकिल है, इसके लिए पार्क आपको कहाँ देखने मिलता है, टपूकड़ा, टपूकड़ा है ये अलवर के अंदर वहां पे। तो इंडस्ट्रियल पार्क सारे आपको उधर ही देखने मिलते हैं। फिर ग्लास के लिए संयंत्र कहाँ है, सेंट गोबेन ग्लास सेंटर ये कहरानी अलवर के अंदर। ये जितने बता रहे हैं नोट जरूर करते रहे, क्योंकि एग्जाम में किसी आपको यही देंगे। फिर बात करते हैं मेगा फूड पार्क, कौन सा है मेगा फूड पार्क, ये क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बोल सकते हैं इसको, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ कि मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं ये सेंट। तो इसके अंदर होता है कि मेगा फूड पार्क का उद्देश्य यही होता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि ए के पास बहुत सारे आम हैं पर 10 दिन तक के बाद में क्या हो गया, ये तो खराब हो गया। तो उसी लिए क्या होता है, इसके लिए आम से क्या बना दिया माजा, तो माजा क्या एक तरह का फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो कहाँ लगाया जाता, तो राजस्थान में मेगा फूड पार्क कहाँ देखने को मिलता है, पहला तो है आपके ग्रीन टेक मेगा पार्क फूड पार्क क्या रूपनगढ़ अजमेर में, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये आपको देखने को मिलती है, इसकी लोकेशन रूपनगढ़ अजमेर है।
जबकि दूसरा जो अभी प्रस्तावित है बन रहा है ये आपके पल्लाना के अंदर है, पल्लाना मेगा फूड पार्क। ये बीकानेर के अंदर ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, मेगा फूड पार्क है ये किसकी, केंद्र सरकार की। अब आती है राज्य सरकार की कौन सी स्कीम है, एग्रो फूड पार्क। क्या बनाएंगे वो, एग्रो फूड पार्क मतलब कि यहाँ पे एग्रो मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रोग्राम होंगे, और ये किसके डेवलप किया जा रहा है, रिको के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर चार एग्रो फूड पार्क है राजस्थान, कितने, चार एग्रो फूड पार्क। कौन कौन से है, तो एक तो है गंगानगर, दूसरा हो गया अलवर, थर्ड है जोधपुर, और फोर्थ हो गया कोटा। फिर प्राइवेट एग्रो फूड पार्क किसका है, प्राइवेट एग्रो फूड पार्क। ये तो होगी गवर्नमेंट रिको के, वो मिलेगा आपको झालावाड़ के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहें साथ साथ, और नोट साथ साथ ही बनाते रहें। एग्रो फूड पार्क के अंदर एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी वर्किंग होंगे वही इसके अंदर बताए जाते हैं, या फिर इसके अंदर इसी चीज़ की इंडस्ट्री लगाई जाएगी, ये चीज़ होता है फूड पार्क के अंदर। फिर बात करते हैं मिनी फूड पार्क, कौन सा है मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क कितना है, टोटल 9 मिनी फूड पार्क बन रहे हैं। तो कहाँ कहाँ है, देखो एक तो है नागौर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली और करौली। यहाँ पे आपको फूड पार्क की लोकेशन देखने को मिलती है, मिनी फूड पार्क छोटे छोटे। ये था मिनी फूड पार्क वगैरह का लोकेशन कहाँ कहाँ है ये ध्यान रखें। फिर बात करते हैं आपके निवेश संवर्धन के लिए ब्यूरो, ये निवेश की नीति के लिए बनाया गया। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, निवेश संवर्धन ब्यूरो इसकी स्थापना होती है 1991 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपने देखने को मिलता है हुआ है जयपुर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ध्यान में। इसका उद्देश्य है निवेश नीति को बढ़ाना, क्या है निवेश को प्रोत्साहन करना, निवेश को प्रोत्साहन करना। अब इस एक योजना आ रखी है जिसका नाम है सिंगल विंडो क्लियरेंस योजना, सिंगल विंडो क्लियरेंस योजना। इस योजना के अंदर क्या होता है कि कम से कम टोटली माने तो 15 विभागों की योजनाएं चलती है, 105 योजना है अलग अलग डिपार्टमेंट की, और सारा का समाधान कहाँ, एक ही जगह होता है, जिससे क्या हो सकता है वन स्टॉप शॉप की स्थापना हो सकती है। और वन स्टॉप शॉप का वन स्टॉप शॉप मतलब सारी चीजें एक ही जगह मिल रहा है। तो इसका गठन कब किया गया था, 18 दिसंबर को ही किया गया है, तो ये ध्यान रखें 18 दिसंबर 2020 को ही किया था, और इसी के लिए क्या एक गठन किया था जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया था। तो इसके हेड कौन थे, सीएम खुद ही इसके हेड है। और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए, निवेश मतलब बाहर की योजनाएं लाना करना, प्रोत्साहन प्रोत्साहन करना,
गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये 2019 के द्वारा चल रही और इसका कौन कर रहा है देखभाल, विप्स के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपको, कब से लागू हुए? 2019 से लागू हुई थी। फिर राजस्थान के रूले, राजस्थान राज्य की हस्तशिल्प नीति आई है, कौन सी है? राजस्थान राज्य की हस्तशिल्प नीति आई है, ये कब आई थी? 9 मार्च 2021 को जारी की गई, 2021 को जारी। अब इसके अंदर हुआ क्या है, ये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, प्रथम हस्तशिल्प नीति बनाई गई थी। अब इसके अंदर में होता क्या है, मतलब जैसे कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मेले लगा हो, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, कोई अच्छा कार्य करे तो प्रचार करना, प्रसार करना, ये सारे कार्यक्रम किसके अंदर होता है? राजस्थान राज्य हस्तशिल्प नीति के अंदर ही होते हैं। राजस्थान की प्रथम नीति है 2021 के अंदर ही लाई गई थी। पचपदरा रिफाइनरी की बात करते हैं, पचपदरा रिफाइनरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोगों नींव 2013 के अंदर रख रखी है पर अभी तक बन रहा है। और फिर इसका इनोग्रेशन मतलब शुभारंभ बोलते हैं, इनोग्रेशन कब हुआ था? इसका इनोग्रेशन 16 जनवरी 2018 मोदी जी के द्वारा, ये मोदी जी के द्वारा हुआ था। और ये सबसे बड़ी बात है, राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी है, राजस्थान की प्रथम रिफाइनरी, नहीं तो सारा पेट्रोल गया। और अब निवेश का अनुपात देखो, इसके अंदर एचपीसीएल की और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी है। एचपीसीएल का तो इसमें हिस्सा है 74%, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट का इसमें 26%। क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, पूछ भी लिया गया है और कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, और भी पूछ सकते हैं। अब इस रीजन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया, पेट्रोकेमिकल जोन की स्थापना की गई, किन कौन सी पेट्रोकेमिकल, मतलब रिफाइनरी है तो कुछ केमिकल प्रोडक्ट तो निकलेंगे ना, तो उसके लिए क्या वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, तो पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया गया है? पचपदरा के अंदर, तो ये ध्यान रखें। फिर वो तो ठीक है बना दी पचपदरा, पर रिफाइनरी के लिए स्किल सेंटर कहाँ बनाए? रिफाइनरी का स्किल सेंटर वो आपके बनाया है जोधपुर के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, भारत की प्रथम रिफाइनरी है जो बीएस मानक विस्तार है, भारत की प्रथम रिफाइनरी जो BS6 मानक पर आधारित, BS का मतलब ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब 6th जनरेशन की आ गई है, ये चीजें थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स, पहली रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाएगा? ये बनेगा थोप गांव, थोप गांव, बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोप गांव क्यों चर्चा में? थोप गांव में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कौन सी जगह है? बाड़मेर के अंदर। थोप गांव कहाँ पे आया हुआ? बाड़मेर के अंदर आया हुआ है और वहां पे बनेगा। तो रिफाइनरी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए ना वो ध्यान रखना। और इसके अंदर अनुमानित लागत है वो कितनी है? 70,000 करोड़ रुपए, ये इतनी लागत से बनाई जा रही है। फिर बात करें राजस्थान की सूती वस्त्र उद्योग की, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड राजस्थान के अंदर कहाँ है?
हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की अगर बात करें तो ये 1991 के अंदर जयपुर में इसको बनाया गया। हैंडीक्राफ्ट पार्क है वो जोधपुर में है, और ये हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है वो क्या है, हस्तशिल्प का शीर्ष संस्था है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है। फिर बात करते हैं आपके राज्य के अंदर हैंडीक्राफ्ट निदेशालय, हैंडीक्राफ्ट निदेशालय राजस्थान राज्य का हैंडीक्राफ्ट निदेशालय कहाँ है, ये जोधपुर में है। अगर बोर्ड की बात करें तो कहाँ है, जयपुर। अगर निदेशालय की बात करें कहाँ है, जोधपुर में। और हैंडीक्राफ्ट पार्क कहाँ है, हैंडीक्राफ्ट का पार्क ये जोधपुर और जैसलमेर दोनों में है। तो ध्यान रखें आप कहीं से भी आ जाते हैं, ये चीजें हैं। और फिर बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो हमने देख के लिए, फिर भी जो भी बातें हैं सूती वस्त्र उद्योग वगैरह ये हम आगे की चर्चा बाद में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है और वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हो गए, कृषि के आधारित उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, चीनी क्षेत्र में उद्योग है, सीमेंट उद्योग कौन सी है, सीमेंट के कारखाने कौन से हैं, खनिज के रिलेटेड टंगस्टन राजस्थान निर्यात कैसे होती है, खादी राजस्थान में GI टैग किसे दिया गया, ये सारी चीज़ें हमें ना नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहें, पहली बात। दूसरी बात ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करते रहें, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल पे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे जो जितने भी वीडियो है उसका लिंक आपको घंटी वाले बटन से दबाते ही पता चल जाएगा, हाँ नया वीडियो अपलोड हो गया सब। तो बात यही है, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।